हाय गाइस, मैं श्वान, आप देख रहे हैं टेक्निकल श्वान, और स्टूडियो में आपको 5 MIUI 12 थीम सजेस्ट करने वाला हूँ दिसंबर 2020 के लिए। तो अगर आप चैनल पर नहीं हुए तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आज December 1st, और ऑब्वियसली आज मैं आपको 5 थीम सजेस्ट करने वाला हूँ जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो अगर आप देखिए, फर्स्ट थीम में गूगल का फोल्डर, होम स्क्रीन और टूल का फोल्डर में, तो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग आइकन पैक देखने को मिल जाएगा जो कि पर्सनली मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। और आपको कैसा लगा ये आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, जो कि पेड आइकन पैक आपको देखने को मिल जाता है इस थीम में। और अगर आप देखें तो इसमें आपको विजेट भी काफ़ी न्यू टाइप का देखने को मिलने वाला, वॉलपेपर भी आपको स्पाइडरमैन का देखने को मिल जाएगा। और अगर आप देखें तो इसमें आपको कंट्रोल सेंटर जो है वो भी आपको न्यू टाइप का देखने को मिलने वाला। तो अगर आपको ऐसे कुछ ट्राई करना था वॉलपेपर वाला कंट्रोल सेंटर जो कि आपको स्पाइडरमैन पसंद है, तो ये थीम आप ट्राई कर सकते हैं। और पर्सनली बोले तो जितने भी थीम्स है काफ़ी इंटरेस्टिंग मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूँ, जो कि नया थीम्स है ऑब्वियसली आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर आप देखिएगा इसका सेटिंग में, तो सेटिंग में आपको सेम वॉलपेपर देखने को मिल जाएगा नया आइकन, मतलब कि नया टॉगल्स के साथ। फॉन्ट अगर आप देखें तो व्हाइट कलर का आपको फॉन्ट देखने को मिल जाएगा, और जितने भी टॉगल्स आपको कलरफुल देखने को मिलने वाला है। और ऑब्वियसली अगर आप जाइएगा अबाउट फोन में, तो उसमें आपको थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिल जाएगा, जैसे कि सेम वॉलपेपर के साथ फिर से आपको देखने को मिल जाएगा पूरा सिस्टम UI जो है, यही आपको वॉलपेपर में बेस देखने को मिलने वाला है। तो अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए था जिसमें कि आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग वॉलपेपर, आइकन पैक और UI देखने को मिले, तो ये थीम आप ट्राई कर सकते हैं। जो कि अगर आप देखें इसका डायलर में, तो डायलर में आपको सेम टू सेम वॉलपेपर देखने को मिल जाएगा न्यू टॉगल्स के साथ। और डायलर पैड अगर आप देखें तो उसमें वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लुक मिल जाएगा, मैसेजिंग ऐप पर आपको सेम टू सेम लुक मिलने वाला है। और ऑब्वियसली अगर आप जाइएगा इसका लॉक स्क्रीन में, तो उसमें भी आपको चेंजेस देखने को मिलने वाला है। तो पर्सनली अगर आप बोलेगा तो उसमें आपको लॉक स्क्रीन में विजेट जो है काफ़ी न्यू टाइप का देखने को मिल जाता है। तो अगर आपको ट्राई करना है, रेड व्हाइट का कॉम्बिनेशन आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें देखने को मिलने वाला, और ब्लैक का, तो इसको आप ट्राई कर सकते हैं। तो अगर आपको ट्राई करना है तो आपको रेग्नो V12 सर्च करना है, जैसे आप रेग्नो V12 सर्च कीजिएगा तो आपको ये थीम मिल जाएगा, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर सकते हैं रेग्नो V12 को। बस आपको थीम ऐप में जाकर सर्च करना होगा रेग्नो V12, तो आपको मिल ही जाना है। बट अगर नहीं मिले तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में जहाँ से आप डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कीजिए, अप्लाई कीजिए। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप देखिए इसका सेकंड थीम, तो सेकंड थीम आपको पेड आइकन पैक देखने को मिल जाता है, जो कि पर्सनली मेरा फेवरेट आइकन पैक है, और ये आपको देखने को मिल जाता है इस थीम में। तो आप देख सकते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको आइकन पैक देखने को मिल जाएगा गूगल का फोल्डर, होम स्क्रीन और टूल का फोल्डर में। तो अगर आपको कुछ एक इंटरेस्टिंग आइकन पैक वाला थीम चाहिए तो ये आप ट्राई कर सकते हैं, मतलब काफ़ी क्लीन लुक के साथ अगर आपको थीम चाहिए तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। कंट्रोल सेंटर जो है इसमें आपको काफ़ी न्यू लुक्स देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉगल है। और ये भी आपका पेड जो मतलब UI है वो आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब ये थीम आपको VIP एप्स, मतलब VIP थीम देखने को मिलने वाला, तो वो आपको सेम UI इसमें देखने को मिलने वाला है। बट अगर आप जाइएगा तो इसमें आपको जो सेटिंग्स में उसमें आपको कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिलता है, इसमें आपको डिफॉल्ट देखने को मिल जाएगा। बट बाकी कुछ है जैसे कि इसका UI में उतना चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा, बट होम स्क्रीन और आपका कंट्रोल सेंटर जो हुआ उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको पसंद आया तो उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। लॉक स्क्रीन जो है वो भी आपका नॉर्मल है, बट वॉलपेपर जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। और ऑब्वियसली लॉक स्क्रीन में विजेट चेंज नहीं हुआ है, अगर आपका हो जाता तो पर्सनली मेरे को काफ़ी अच्छा लगता, बट नहीं हुआ है तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। बट काफ़ी अच्छा थीम है, आपको ट्राई करना चाहिए और बताइए कैसा लगा आपको। और अगर आपको सिंपली डाउनलोड करना है तो आपको सर्च करना होगा थीम ऐप में मिक्स थीम्स V12, जैसे आप सर्च कीजिएगा मिक्स थीम्स V12 तो आपको ये थीम मिल जाएगा, और नहीं तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में जहाँ से आप डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड कीजिए, अप्लाई कीजिए, और एक चीज़ कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ऐसे मत जाइए, और शेयर कर सकते हैं अगर आपको पसंद आया तो ऑब्वियसली। और अगर आप देखिए थर्ड थीम, तो थर्ड थीम भी ऑब्वियसली इंटरेस्टिंग ही होने वाला है। तो थर्ड थीम आपको देखने को मिल जाएगा पूरा डार्क थीम, जो कि गूगल का फोल्डर में, टूल का फोल्डर, और अगर आप देखें तो विजेट भी आपको काफ़ी न्यू टाइप का देखने को मिलता है, और वॉलपेपर जो है वो आपको स्टार्स का देखने को मिल जाएगा। तो गूगल का फोल्डर में अगर आप टैप कीजिएगा तो उसमें आपको न्यू टाइप आइकन पैक देखने को मिलने वाला, जो कि आपका नियॉन टाइप आइकन पैक है। और आपको टूल में भी सेम टू सेम आइकन पैक देखने को मिल जाएगा। और अगर आप जाइएगा इसका कंट्रोल सेंटर में, तो उसमें आपको न्यू टाइप लुक जो है, नया टॉगल्स, नया कलर, और वॉलपेपर जो है सेम टू सेम आपको वो स्टार ब्लैक एंड व्हाइट आपको, मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको वॉलपेपर के साथ काफ़ी क्लीन UI देखने को आपको मिलने वाला। तो ऑब्वियसली अगर आपको ये थीम ट्राई करना है तो ये वन ऑफ द फेवरेट अभी मेरा थीम चल रहा है, जो कि मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर आप देखिए इसका सेटिंग में, तो इसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा नया टाइप का टॉगल्स, बस आपका डिजिटल वॉल्यूम वाला एक मिसिंग है, जो कि अब नहीं पता ये नहीं देखने को मिलता क्योंकि बहुत डिज़ाइनर लोग यूज़ नहीं करता है इंडियन रॉम, तो इसलिए ये आपको टॉगल्स नहीं देखने को मिले। और जितने भी UI है उसमें आपको सेम टू सेम स्टार का जो UI है, मतलब वॉलपेपर, वो आपको बैकग्राउंड में देखने को मिलने वाला है। डायलर में भी आपको सेम टू सेम वो स्टार वाला वॉलपेपर देखने को मिलने वाला है। मैसेजिंग ऐप में भी आपको सेम टू सेम देखने को मिलने वाला। तो ऑब्वियसली
वन ऑफ द बेस्ट अगर आपको डार्क थीम चाहिए, मतलब अगर आपको एक इंटरेस्टिंग थीम चाहिए तो ये आप ट्राई कर सकते हो। और अगर आप देखें इसका लॉक स्क्रीन, तो लॉक स्क्रीन में आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग विजेट्स देखने को मिल जाएगा, जो कि आपका हो गया क्लॉक का विजेट, डायलर और आपका जो कि मतलब टाइम का विजेट। और अगर आप देखिएगा तो इसमें आपको कैलेंडर और नीचे आपको बैटरी का भी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा, फोटो एल्बम भी देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको ये ट्राई करना है तो पर्सनली ये थीम आप ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग थीम है। और इसका आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप डायरेक्टली इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो पहले देखिए क्या क्या आपको नया देखने को मिल जाता है, जो कि पर्सनली काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको फोन को लुक दे सकता है। और अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए था, ऑब्वियसली चाहिए होगा, और अगर आपको डाउनलोड करना है तो सिंपली आपको जाना होगा थीम ऐप में। थीम ऐप में आपको जाके सर्च करना है लूनार 2020 V12। जैसे आप सर्च कीजिएगा लूनार 2020 V12 तो आपको ये थीम मिल जाएगा। तो ये सर्च कीजिए लूनार 2020 V12। सर्च अगर कर रहे हैं नहीं मिल रहा थीम, तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, ऐसे मत जाइए, और ऐसे आपको इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलते रहेगा इस चैनल में। और अगर आप जाइएगा फोर्थ थीम में, तो इसमें आपको न्यू टाइप का आइकन पैक देखने को मिल जाएगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग मतलब अजीब सा आइकन पैक है, बट इसको आप ट्राई कर सकते हो। वॉलपेपर आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिल जाता है, टूल का फोल्डर में आपको सेम टू सेम आइकन पैक देखने को मिल जाएगा। और अगर आप देखिए इसका कंट्रोल सेंटर, तो उसमें आपको न्यू टाइप का टॉगल्स जो है वो आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपका मतलब 3D टाइप टॉगल्स देखने को मिलता है। और अगर आप अनेबल कीजिए तो उसमें आपको नया नया कलर्स देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपका ट्राई करना है इंटरेस्टिंग थीम, ऐसा कुछ ट्राई करना है इंटरेस्टिंग थीम, तो ये आप ट्राई कर सकते हैं, जिसमें का जो वॉलपेपर है वो भी आपको सेम टू सेम वो स्टार वाला ही देखने को मिलने वाला। और अगर आप जैसे मतलब सेटिंग्स में, तो उसमें जितना टॉगल्स आपको कलरफुल देखने को मिलने वाला है आईओएस जैसा, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और अगर आप जाइएगा बाकी जैसे कि ऑल स्पेक्स में, तो आपको डार्क मोड देखने को मिल जाएगा, जो कि पर्सनली मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है। और अगर आप जाइएगा इसका डायलर में, तो डायलर में कुछ नया आईओएस जैसा लुक देखने को मिलने वाला, जो कि कुछ नया इंटरेस्टिंग लुक है और नया आईओएस जैसा लुक है, जो कि इसको आप ट्राई कर सकते हैं। मैसेजिंग ऐप में भी आपको सेम डार्क यूआई देखने को मिलने वाला है। और अगर आप देखिए इसका लॉक स्क्रीन, तो लॉक स्क्रीन में आपको थोड़ा बहुत नया कुछ देखने को मिलने वाला, जो कि आपका स्टार वाला वॉलपेपर देखने को मिल जाएगा ऑब्वियसली, और ऊपर में आपको मतलब कोई इंटरेस्टिंग सा विजिट देखने को मिलने वाला है। और अगर आप देखिए लेफ्ट तरफ स्वाइप कीजिए, तो इसमें आपको जो ऐप वॉल्ट या कुछ भी है, ये आपका चाइना वाला सामान है, तो मुझे भी नहीं पता ये क्या बोलते हैं, बट वो आपको देखने को मिल जाता है। तो इसको आप नया लुक ही बोल सकते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको लुक देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको इसकी ये डाउनलोड करना है, तो इसका आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं ओएस ब्लैक V12। तो आपको सर्च करना होगा ओएस ब्लैक V12, तो ऑब्वियसली आप सर्च कर लीजिए और आपको मिल जाएगा डायरेक्टली ये थीम। और नहीं तो आप एक ही डिज़ाइनर का नाम एक थीम मिल जाए, फिर आप सभी थीम्स को डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि सेम डिज़ाइनर का सभी थीम्स है, तो आप डाउनलोड कीजिए। और अगर आप लास्ट थीम देखिएगा, तो लास्ट थीम उतना इंटरेस्टिंग नहीं है, बट इसमें आपको जो मतलब लॉक स्क्रीन है वो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिलता है। आपको अगर आप देखिए इसका आइकन पैक, तो ये आपको डिफॉल्ट आइकन पैक देखने को मिल जाएगा MIUI 12 का, चूँकि उतना ज़्यादा कस्टमाइजेशन नहीं किया गया, बट इसमें आपको विजेट जो वो आपको नया देखने को मिल जाएगा। कंट्रोल सेंटर है वो आपको नया टाइप का देखने को मिलने वाला, जो कि आपको वॉलपेपर के साथ ही ग्रेडियंट किया हुआ है, जो कि ऑब्वियसली काफ़ी इंटरेस्टिंग लुक आपका फ़ोन को दे सकता है। अगर आपको ऐसा कुछ इमर्सिव लुक चाहिए, तो ये आप थीम ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप जाइएगा इसका सेटिंग्स हो, तो इसमें आपको वाइट मतलब सेम टू सेम फोर्थ थीम का ये कॉपी है, बट खाली इसमें आपको वाइट मोड देखने को मिल जाएगा, ब्लैक आपको नहीं देखने को मिलने वाला है। डार्क मोड अनेबल करने के बाद शायद इसे काम नहीं कर रहा था, तो इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा। बट खाली लॉक स्क्रीन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, कंट्रोल सेंटर इंटरेस्टिंग है। और अगर आप जाइएगा इसका डायलर में, तो डायलर आपको थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। और मेरा कफ हुआ है, तो ऑब्वियसली मेरे को थोड़ा मतलब आवाज़ सही से नहीं हो रहा है, मतलब ऑडियो सही से नहीं निकल रहा, तो ऑब्वियसली आप इसके लिए माफ़ कर दीजिए। और अगर आप देखिए, तो इसमें आपको लॉक स्क्रीन जो है वन ऑफ द बेस्ट, काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको देखने को मिल जाएगा, कुछ टॉगल्स आपको देखने को मिल जाएगा, कुछ आपको जो टाइम और डेट का आपको जो विजेट है वो आपको नया देखने को मिलने वाला। और अगर आप देखिए, तो नीचे आपको व्हाट्सएप का और आपको मतलब कि कैमरा का आइकन देखने को मिलने वाला, तो ऑब्वियसली काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग थीम है। अगर आप लेफ्ट तरफ स्वाइप कीजिए, तो इसमें आपको देखने को मिल जाएगा वेदर। और अगर आप फिर से मतलब सेंटर में आपको देखने को मिल जाएगा लॉक स्क्रीन। और फिर आप अगर राइट स्वाइप कर दीजिए, तो इसमें आपको देखने को मिल जाएगा म्यूजिक का टॉगल। तो आपको तीनों ही देखने को मिल जाएगा, लॉक स्क्रीन काफ़ी इंटरेस्टिंग। और अगर आपको सिंपली ये डाउनलोड करना है, तो इसमें आपको सर्च करना है स्पैरजो, जो भी अजीब सा नाम है स्पैरजो, तो आपको स्पैरजो 2020 V12.1 सर्च करना है। आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, स्पैरजो 2020 V12.1, तो जाइए डाउनलोड कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन टैप कीजिए, बेल आइकन टैप करने के बाद वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं कल कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग और वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय।